नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के सबसे बेहतर मौके कहां पर होने वाले हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। आप इसको नोट कर लें, इस नंबर पर कॉल करने के आपको कोई चार्जेस नहीं देने होंगे। इसके अलावा आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देंगे राजीव कपूर, जो कि ट्रस्ट टाइम के कमोडिटी हेड हैं, हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में बने हुए हैं। और साथ ही हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं मनी रिसर्च के डायरेक्टर जयप्रकाश गुप्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर से, और ये खबर आपके लिए जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसका असर फसलों पर भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है और जहां पर ये कहा गया है कि 9-10 अप्रैल को यानी आज और कल में देश के कई इलाकों में तूफान के साथ हल्की बारिश की आशंका है। हालांकि आज कई इलाकों में बारिश हुई भी है, दिल्ली उनमें से एक है जहां पर तापमान नीचे आया है, गर्मी से राहत मिली है। लेकिन कल भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे कई इलाकों में तूफान के साथ हल्की बारिश की आशंका जताई गई है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं एग्रीकल्चर मार्केट के एक्सपर्ट विजय सरदाना। सरदाना जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, एक बेमौसम बारिश है, सरसों की कटाई शुरू हो रही है, गेहूं की फसल पक चुकी है, क्या असर देख रहे हैं? देखिए मृत्युंजय, अगर आप फील्ड में देखें, ये नया मौसम नहीं है, पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि हार्वेस्टिंग से पहले या हार्वेस्टिंग के दौरान अचानक बारिश आती है, इस तरह की मौसम में बदलाव आता है। ये मुझे लगता है कि एक पैटर्न हो गया है और जो अभी IMD ने भविष्यवाणी करी है निश्चित रूप से चिंता की बात है और किसानों से उम्मीद यही है कि वह संभले और आने वाले समय में अभी जो तेज आंधी चलेगी तो भी थोड़ा रुक जाए, मौसम को क्लियर होने दें, फिर कटाई शुरू करें। क्योंकि अगर खेत में अभी कटी हुई फसल पड़ी हुई तो फंगल रखने की और बाकी खराब होने की संभावना रहती है। तो अगर एक दो दिन की भविष्यवाणी है मौसम की तो मुझे लगता है किसानों को दो दिन का इंतजार कर लेना चाहिए कटाई से पहले। ओके, तो आप कह रहे हैं कि एक दो दिन का इंतजार करना चाहिए। लेकिन सरदाना जी, कई बार हमने ऐसा देखा है कि जब फसल पकने को तैयार रहती है और उसके बाद जब बेमौसम बारिश होती है तो फसल को अच्छा खासा नुकसान हो जाता है और इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। जो इलाके आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तटीय कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन राज्यों में एक दो दिन में तूफान के साथ हल्की बारिश की आशंका है। खासकर के उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें, तो यहाँ पर गेहूं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि पिछले 4-5 साल से, क्योंकि पंजाब के एरिया में मैं काफी किसानों के साथ काम करता हूँ गेहूं के सीजन में, तो हमने ये नोट किया है कि फरवरी मार्च में आजकल काफी अनयूजुअल मौसम बदलता है और काफी तेज आंधी आती है और बारिश आती है। ये अक्सर देखा गया पिछले 4 साल से, तो मैं नोट कर रहा हूँ। और ये बात एक बदलते हुए मौसम का, जिसको हम क्लाइमेट चेंज कह सकते हैं, मुझे लगता है इस पे वैज्ञानिकों को सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में क्या हम शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी लाएं या हमें अपने सोइंग पैटर्न को बदलना पड़ेगा जिस तरह से मौसम बदल रहा है। तो ये एक शोध का विषय है। लेकिन किसानों के लिए मैं यही कहूंगा कि जिन्होंने फसल काट दी है, अगर खुले में फसल पड़ी है उसको तुरंत अंदर ले लें ताकि बारिश का नुकसान ना हो, और जिन्होंने फसल नहीं काटी है वो 2-3 दिन रुक जाए, क्योंकि अगर काट भी देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, खड़ी फसल को थोड़ा बेनिफिट रहेगा। तो ये डिपेंड करता है कि किसानों के पास क्या साधन है। हाँ। और अगर थ्रेशर है जल्दी काट के अंदर कर सकते हैं, कर ले, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी रुकना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरदाना जी आपका। और सरदाना जी ने किसानों को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं राजीव जी, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है, ठीक है, किसानों के लिए अच्छा सुझाव दिया है सरदाना जी ने क्या करना चाहिए, लेकिन जो कारोबारी हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर जो ट्रेड हो रहा है सरसों का, गेहूं का, इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है ऐसी खबरों का, आप कुछ असर देख रहे हैं वायदा बाजार में? देखिए, भाव की बात करें तो भाव में आज हमने गिरावट ही आते हुए देखा है। मुझे लगता है अभी इसके नुकसान का असेसमेंट होना बाकी है। अगर बारिश कंटिन्यू करता रहा तो नुकसान ज़्यादा हो सकता है, उस केस में भाव जो है ऊपर आ सकते हैं, बट फिलहाल मुझे इसका भाव पे थोड़ा असर नहीं दिख रहा है। ओके, तो आप कह रहे हैं फिलहाल कोई इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, इस खबर के बाद आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एक दूसरी महत्वपूर्ण खबर का,
और दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि आज वायदा बाजार में एल्यूमिनियम की कीमतों में जोरदार तेजी आ गई है। आपको बता दें कि 4% से ज्यादा ये काउंटर बढ़ा है एमसीएक्स पर और एल्यूमिनियम और एलएमई पर भाव 4 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच चुका है और $2100 प्रति टन के पार चला गया है। बड़ी तेजी एल्यूमिनियम की कीमतों में आ जाती हुई देखी है। इसके पीछे वजह यह है कि अमेरिका ने रूस की एक बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी रूसल के ऊपर रोक लगा दी है और आपको बता दें कि एक दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन रूसल ही करता है एल्यूमिनियम का, लिहाजा आज कीमतों के ऊपर इंपैक्ट दिखा है। अभी भी आप देखिए एमसीएक्स पर करीब 4% की तेजी यहां पर दिख रही है। जयप्रकाश गुप्ता, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है, ₹138.20 का स्तर है, रूसल पर अमेरिका की पाबंदी का कीमतों पर और कितना इंपैक्ट देख रहे हैं, क्या बाय करना चाहिए? देखिए, इसमें एल्युमिनियम में मेरा बाय रिकमेंडेशन ही है। आपके शो पे ही लास्ट वीक भी डिस्कस हुआ था, मैंने बताया था कि सबसे अंडर परफॉर्मिंग बेस मेटल्स में एल्युमिनियम रहा है और इसमें बहुत चांसेस ब्राइट हैं कि इसमें तेजी देखने को मिले। आगे चल के भी मुझे लगता है फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है बेस मेटल्स के, 142-143 तक का लेवल पॉसिबल है, एंट्री किया जा सकता है 136 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से, ट्रेडर्स यहाँ पे बाई कर सकते हैं 142 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो इस पर आपका क्या कमेंट होगा राजीव, क्योंकि अगर हम देखें तो जो खबर आई है आज एल्युमिनियम को लेकर के और कहा यह जा रहा है कि पिछले साल रूसल ने 37 लाख टन एल्युमिनियम का उत्पादन किया था जो कि दुनिया के कुल उत्पादन का करीब 7% है, तो एक बड़ा अमाउंट है। आपको लगता है कि जो बात यहाँ पर अभी जयप्रकाश ने कही कि बाइंग करने का मौका है 141, क्या आपको भी लगता है कि जो करंट रेट पर ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए भी बाइंग का मौका है? जयप्रकाश ने यहाँ से ₹2 नीचे पर कॉल दिए। देखिए, मैं एडवाइस करूंगा, जैसे जयप्रकाश जी ने जो स्टॉप लॉस दिया बिल्कुल ठीक है, 135-150 तक का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे, 140-142 तक जा सकती है रैली, ऑलरेडी 128 से 138 हो चुका है दाम, तो थोड़ा सा कूल ऑफ होने दें, वहाँ बाइंग करें और 135-150 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखें और उस स्टॉप लॉस के कटने के बाद प्लीज लॉन्ग में ना वेट करें। हो सकता है यहाँ से रैली थोड़ी एक्सटेंड करें बिकॉज काफ़ी शॉर्ट स्क्वीज हुआ होगा, तो शॉर्ट कवरिंग का भी इसमें प्रेशर अभी देखने को मिल रहा है। अब फर्दर बाइंग का असर तब देखने को मिलेगा जब दाम ने हाई बनाता है। चलिए, और इस बीच एल्युमिनियम पर ही हमारे सामने एक सवाल आए हैं, दीपक हैं अलवर से। दीपक, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा एल्युमिनियम 2 लॉट सेल पड़े हुए हैं 135 और 2 लॉट पड़े हैं 138 के, और क्रूड ऑयल मेरा सेल पड़ा हुआ है 4028 और 4050, तो क्या करना चाहिए, निकल जाना चाहिए? देखिए, एल्युमिनियम में तो आपका जैकपॉट लगता हुआ दिख रहा है क्योंकि 135 पर भी आपकी बाइंग है, वहां से मार्केट ₹3 है, सेलिंग है। अच्छा, आपने सेल किया है, अच्छा चलिए। हाँ, तो ये क्योंकि इस खबर का थोड़ा सा बड़ा इंपैक्ट हुआ है प्राइस के ऊपर तो आप नुकसान में हैं। चलिए, खैर कोई बात नहीं, लेकिन हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। जयप्रकाश, अब इनके लिए क्या सलाह है, इन्होंने सेल किया है, हालांकि ये न्यूज अचानक आई है उसका एक इमीडिएट इंपैक्ट हम प्राइस के ऊपर देख रहे हैं, इनके लिए अब आपकी सलाह क्या है? इनको अभी रुकना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, या फिर आपको लगता है कि अब बहुत ज्यादा यहाँ से गिरावट की संभावना नहीं है, निकल जाना चाहिए? ठीक है, मेरे ख्याल से आपको एग्जिट ले लेना चाहिए। अगर ड्यूरिंग द इवनिंग सेशन में आपको 137 तक का रेट मिलता है तो आप दोनों लॉट से एग्जिट ले लें, क्योंकि देखिए जो ट्रंप के अब बयान निकल के आए हैं फ्राइडे के फ्रेश चाइना के सैंक्शंस के बाद, अब वो नेगोशिएशन मूड पे हैं, तो अगर जब तक इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं ये बहुत बुलिश ट्रेंड क्रिएट कर देता है बेस मेटल्स और बाकी कमोडिटीज़ को, और बुलियन के लिए नेगेटिव हो जाता है, तो और फंडामेंटल्स कुछ ड्रास्टिकली शिफ्ट हुए नहीं है, ये क्या है न्यूज़ फ्लो के कारण मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी है, तो शॉर्ट में रिकमेंड नहीं करूंगा बेस मेटल्स में, मेरे ख्याल से आपको एग्जिट ले लेना चाहिए शॉर्ट से। ओके, तो ये कह रहे हैं कि शॉर्ट में बने रहना ये बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि अब देखना पड़ेगा क्योंकि कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, ट्रेड वार की भी चिंता बनी हुई है। चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ दिनेश हैं बीकानेर से, पूछिए दिनेश। दिनेश जी, आपको आवाज आ रही है? लगता है इन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ग्वार के ऊपर इनका सवाल था, ग्वार के ऊपर ये पूछना चाह रहे थे, और आज ग्वार में बड़ी गिरावट हमने देखी है। अब देखिए अपनी स्क्रीन पर, करीब ₹75 गिरकर ग्वार सीड मई का वायदा बंद हुआ है 4053 के लेवल पर, क्या कमेंट है आपका राजीव ग्वार के ऊपर? देखिए, ग्वार थोड़ा सा यहाँ रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड के रिवर्सल के लिए 3900 के नीचे क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है,
अगर उसके नीचे क्लोज होता है तो मैं समझूंगा ट्रेंड चेंज है और बाजार का डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। 4000 एक अहम सपोर्ट भी है, बट जिस तरह का प्रेशर है, जिस तरह का मानसून का प्रिडिक्शन देखने को मिल रहा है, हो सकता है मानसून सामान्य रहे, उसका सबका नेगेटिव इम्पैक्ट हम देख रहे हैं अभी एग्री कमोडिटीज़ पर। थोड़ा प्रेशर मुझे लगता है कंटिन्यू करेगा और 4100 के आसपास कल देखने को मिलता है तो सेलिंग करके चलें 4140 के स्टॉप लॉस से 4040 और 4000 तक के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और हमारे साथ अगले कॉलर हैं प्रहलाद जयपुर से, पूछिए प्रहलाद। नमस्कार जी। सर जी गोवा सीट पे सवाल है सर, ये मानसून सही टाइम पे बता रहे हैं तो ये 3200-3300 आ जाएगा सर, और ये 6 महीने का इसका ऊपर का टारगेट क्या रहेगा सर, 5-6 हजार का रहेगा? आपको दिलचस्पी किसमें है, 3200-3300 में या 6000 में? किसान है आगे के लिए बिजाई करें। अच्छा ठीक है, हाँ। ओके चलिए, अच्छा सवाल है। जिस तरह से गिरावट आई है राजीव, अभी मौसम विभाग का सरकारी अनुमान आना बाकी है मौसम को लेकर के, उससे पहले गिरावट गहराती हुई दिख रही है, क्या आउटलुक है, क्या टारगेट है आपका ग्वार को लेकर? देखिए किसान भाई है, मैं तो इन्हें एडवाइस करूंगा बिजाई जरूर करें, अगर बिजाई नहीं करेंगे तो फिर दाम आने पौने हो जाएंगे और बाकी लोगों को कष्ट होता है उसमें। बाकी जहां तक ट्रेंड का सवाल है, ट्रेंड अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें अभी भी ऊपर का ट्रेंड है। 3900 का स्तर अगर बाजार छोड़ता है नीचे की तरफ तब हम समझ सकते हैं कि 3500-3600 नीचे में आ सकता है, 3200 भी आ सकता है अगर मानसून का एस्टीमेट अगर बिल्कुल बराबर रहता है कि 95% से ऊपर की भी अगर बारिश के अनुमान जारी होते हैं तब भी इसके लिए नेगेटिव हो जाएगा ग्वार के लिए। ठीक है, तो उस केस में थोड़ा सोच सकते हैं बिजाई थोड़ी कम करें या कोई अल्टरनेटिव करें, बट एडवाइज है कि अपनी बिजाई जरूर रखें। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ संदेश हैं कोल्हापुर से। जी संदेश जी, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, मेरा संदेश ऐसा है कि मैंने शुक्रवार को आपका ट्रेड सुन के एक ट्रेड किया था एल्यूमिनियम पे जी। सर उस दिन उन्होंने बताया कि 24-25 तक एल्यूमिनियम का आएगा, मैंने एवरेज करते करते 10 लॉट मैंने एवरेज किया हुआ है एल्यूमिनियम को, 31-32 तक मेरा एवरेज हुआ है। ओके, अभी क्या करूँ बताइए, क्योंकि इतना पोजीशन बढ़ गया है, क्योंकि मैं एक हफ्ते से 2 हफ्ते तक रुक सकता हूँ लेकिन ज्यादा से ज्यादा 40 के आगे तो जा नहीं सकता, क्योंकि मेरा लॉस बढ़ गया है ना। शॉर्ट किया है आपने? हाँ, शुक्रवार के पोजीशन में आपने के यहाँ से सेलिंग। ठीक है, हाँ ठीक बात है, ये खबर अचानक आई है, उसका इम्पैक्ट आया है मार्केट पे अचानक, एक क्या करना चाहिए जयप्रकाश इनको? देखिए 136 के आसपास आए तो मेरे ख्याल से आप एग्जिट ले लीजिए, मुझे लगता है कि ये 142-143 तक जा सकता है। थोड़ा सा 4% बढ़ा है तो थोड़ा सा कूल ऑफ देखने को मिलेगा इवनिंग सेशन में, शॉर्ट साइड में रहना थोड़ा सा रिस्की है, मेरे ख्याल से एग्जिट ले लेना चाहिए। ठीक है, और अगर नया ट्रेड करना हो राजीव, क्योंकि इन्होंने काफ़ी एवरेज किया है, नुकसान हो जाएगा इनको, उसको उसकी भरपाई के लिए अब किस तरह से ये ट्रेड करें ताकि इनका कंपनसेट हो जाए? एक और एडवाइस है इनको, देखिए डेफिनेटली एक्सपर्ट ने शॉर्ट सेल दिया होगा बट साथ में एक स्टॉप लॉस भी जरूर दिया होगा, ऐसा नहीं बोला होगा कि आप शॉर्ट में बैठे रहिए और बाजार कहीं भी चला जाए, तो इनको स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी था जो इन्होंने आई थिंक लिया नहीं है, जिसका खामियाजा वे भुगतेंगे शायद। अभी देखिए ट्रेंड रिवर्स हो गया और 28-29 एक अच्छा सपोर्ट भी था तो वहीं से बाजार पलटा है, 142-43 जा सकता है, 135-50 के नीचे जाता है तब ये इनको थोड़ा इनको राहत मिल सकती है। नहीं नहीं नहीं, अब आप उस ट्रेड को अगर उसकी भरपाई करना हो, ठीक है वो ट्रेड मान लीजिए गलत हो गया, एक अगर हेजिंग के तौर पे देखा जाए तो कैसे अब क्या करें ताकि इनका नुकसान कम हो जाए? 36 के आसपास मैं 36.5 के आसपास एडवाइस करूंगा इन्हें कि अपना ये एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट हेज कर लें या तो, या इसमें से एक बार क्विट कर लें और वापस 35 के नीचे जाए तब शॉर्ट बनाएं, या 42-43 पे शॉर्ट बनाएं फिर 45 का एक स्टॉप लॉस रखें। ओके चलिए अब बात कर लेते हैं क्रूड की, क्रूड को लेकर के जयप्रकाश गुप्ता क्या कमेंट होगा आपका, क्योंकि कच्चा तेल एक ऐसा काउंटर है जहां पर हमने देखा है कि हाल के दिनों में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव का माहौल बना है, और आज ही देखिए अपनी स्क्रीन को 1% ऊपर है एमसीएक्स पर क्रूड, शुरुआती दौर में दायरे में था, ब्रेंट की तेजी भी बढ़ गई है, करीब 0.25% ऊपर है ब्रेंट क्रूड, नैमेक्स क्रूड करीब 1% ऊपर है, हालांकि कोई बड़ा बदलाव फंडामेंटल के मोर्चे पर नहीं आया है, लेकिन जो ये ट्रेड वार की खबरें बीच बीच में आती हैं और ट्रंप साहब ट्वीट करते हैं उसका इम्पैक्ट इमीडिएटली मार्केट के ऊपर हम देख लेते हैं। अब यहां से आपको क्रूड का मार्केट कहां दिख रहा है, क्या आज के कारोबार में कच्चे तेल की ये तेजी आपको और बढ़ती हुई दिख रही है जयप्रकाश?
जी आपने सही कहा, क्योंकि आजकल पिछले 10 दिनों से मार्केट ट्रम्प के ट्वीट पे ज्यादा स्विंग कर रहा है, तो वो एक रीजन है यहाँ पे वोलेटिलिटी बढ़ने का। लेकिन देखिए क्रूड में मुझे लगता है जिस हिसाब से WTI 61 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट फॉर्म कर रहा है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा तेजी का रुख बरकरार रह सकता है। क्योंकि अगर आप ट्रम्प का एजेंडा भी देखें तो ट्रेड, टैरिफ, टेरिटरी, ये जो फोकस रहा है, तो अब हो सकता है टेरिटरी साइड में कुछ इस तरह के जियोपॉलिटिकल न्यूज निकल के भी आ सकते हैं, जो हो सकता है अचानक यहाँ पे कुछ अपसाइड मोमेंटम क्रिएट कर दे। तो 61 के नीचे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, अनलेस ट्रेड वॉर कुछ इस तरह सा इंटेंसिफाई हो जाए तो ग्लोबल ग्रोथ की आशंका हो और मार्केट टूट जाए तो अलग सिनेरियो है। बट मुझे लगता है 4150 तक का लेवल पॉसिबल है, तो 4040 के स्टॉप लॉस से अगर 4060 के आसपास मिलता है तो बाई करके चले। 4120-4150 तक का लेवल मुझे लगता है देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ बंटी है एमपी से, पूछिए बंटी। अगर मैं सर 14.5 अगर मेहनता लिया था 3-4 दिन पहले और मेहनता सर मरता जा रहा है, क्या होना सर इसमें, जी बताएं। हाँ, मेहनता में क्या हो रहा है जानना चाहते हैं। मेहनता का उत्पादन भी बढ़ने वाला है ऐसी खबरें आ रही हैं, और अभी हमने मेहनता के ऊपर सेमिनार भी किए हैं मेहनता बेल्ट में, तो वहां पर भी लोगों का ये नजरिया है कि इस बार उत्पादन पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है, उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं प्राइस के ऊपर दिखना शुरू हो गया है। राजीव, क्या आउटलुक है आपका? देखिए मेहनता 1500 के आसपास अच्छा एक रेसिस्टेंस जोन भी था, मुझे याद है 15 दिन या हफ्ता पहले की बात थी, हमने बताया भी था कि पूछा था कहाँ जाएगा, तो 1450-1500 लग रहा था हमें। आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं अब ये पुरानी फसल के हैं सारे, तो इसमें दाम में काफ़ी हमें वॉलीटिलिटी दिखेगी, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से ही ट्रेड करें। अभी फिलहाल ऐसा लगता है कि बाज़ार नीचे में 1355-1340 तक जा सकता है, और अगर 1320 के नीचे सस्टेन करता है तो और फर्दर हम मंदी देख सकेंगे इस करंट कॉन्ट्रैक्ट में, अदरवाइज वहां से एक रिवर्सल आपको मिल सकता है, आपको थोड़ी सी इसमें राहत मिल सकती है। चलिए अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का, जहां पर हम आपको बताने जा रहे हैं 30 सेकंड में बिल्कुल करंट रेट पर मुनाफे की 3 कॉल। आपकी पहली रैपिड फायर कॉल राजीव, गोल्ड में बिकवाली कर सकते हैं 30700 पर, और नीचे में मैं समझता हूँ 30500 के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आपकी रैपिड फायर कॉल जयप्रकाश, सिल्वर बाय करके चला जा सकता है 38200 के आसपास, 38700 का टारगेट। आपकी आखिरी कॉल राजीव, मुझे लगता है क्रूड यहाँ से फिर से एक नीचे का स्तर दिखा सकता है, तो करंट दाम पे बेच सकते हैं 4090 के स्टॉप लॉस से 4020 के टारगेट के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव कपूर आपका और जयप्रकाश गुप्ता आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी में कहाँ पर कमाई के मौके हैं।